इसका तारीख तो अभी सब कुछ उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो यहाँ पे जिना साहब आए अरनाई पे, तो इसके मंजूरी जो है ये अरनाई पर जो है जिना साहब ने एक तोहफा ये अरनाई आवाम के लिए दिया। अरनाई का आवाम बहुत गरीब था, सारे जो था ये पहाड़ों में हम लोगों का जो है बारिशें यहाँ ज़्यादा होता है तो पहाड़ों में जो है घास मास हम लोगों का है, तो हम लोगों का मालदारी ज़्यादा था अरनाई वालों का, तो इस वजह से जिना साहब जो अरनाई आ गया उसने अरनाई के लिए अरनाई आवाम के लिए या गरीब आवाम था इनके लिए जो है ये अरनाई उलन मिल ये तोहफे में दिया। तो ये अरनाई उलन मिल जो इस लोगों ने यहाँ बना रहा था तो इसमें 20 एकड़ ज़मीन जो था वो आर्मी का था, तो उलन मिल वालों ने आर्मी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट भी अभी अभी हमारे साथ पड़ा हुआ है, पता नहीं 90 साल का है या 91 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद ज़मीन 20 एकड़ कोम खदरानी कोम मड़ेजई म्यानी शेख का पड़ा हुआ है, 15 एकड़ उस लोगों ने दिया हुआ है, 5 एकड़ कोम खदरानी ने दिया हुआ है, फिर इसमें जो है 2.5 एकड़ या 3 एकड़ इसमें जो है लोकल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, 3.5 एकड़ इसमें जो ग्राम हिंदू का है। तो ये ज़मीन सारा मिल्क कब्ज़े में था, तो मिल्क कब्ज़े में था, ये मिल चल रहा था अरनाई उलन मिल, अच्छा रोज़गार था, अच्छा खुशहाली था, अच्छा कारोबार चल रहा था, घर में 2 बंदे थे या 3 बंदे थे, सब लोगों ने जो है इधर शिप पे काम कर रहा था, कम से कम 3000 बंदे इसमें काम पे लगे थे, तीन टाइम का इसमें शिफ्ट चल रहा था। तो ए अरनाई आवाम का बहुत बड़ा रोज़गार था। जिस टाइम फिर इसमें इधर उधर हो गया, अकबर बुगटी जो वज़ीर आला हो गया उसने ये उलन मिल बंद किया, जो बंद किया फिर भी हमारे आवाम वो हमारे जितने पार्टी अरनाई के थे जलसे भी करते थे, अखबार में भी बयान देते थे, सब कुछ करते थे, जो भाई अरनाई आवाम के लिए ये मिल चलाओ। उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ जो बैठ गया, जनरल मुशर्रफ जो वज़ीर आज़म था मुल्क का, तो उसने ये उलन मिल ऐसा रेट में बेच दिया जो वो रेट न हमारे आवाम के लिए फ़ायदे में न मुल्क के लिए फ़ायदे में, 1.7 करोड़ में, 1.7 करोड़ में इसने उलन मिल बेच दिया। 1.7 करोड़ में तो खाली एक मशीन पड़ा हुआ था, इसमें बाहर मुल्क का बहुत बड़े बड़े मशीनरी पड़े थे, इसका फर्नीचर भी अपना था, सलीमा भी अपना था, होटलें भी इसमें अपने थे, पार्क भी इसमें अपने थे, जो स्टेडियम भी इसका अपने था, हर चीज़ इसका था। तकरीबन ये उलन मिल का मशीनरी खाली अरबों रुपए का था, इसने मशीनरी और ज़मीन सब कुछ 1.8 करोड़ में दे दिया। हम लोगों में लोगों ने पार्टी वालों ने अरनाई में जो मुला है जो पश्तूनख्वा है नेशनल है जमात इस्लामी है जो पार्टी है हम लोगों ने आवाज़ मारते थे, हम लोग ये जलसे जुलूस करते थे जो भाई हमारे आवाम के साथ नाजायज़ हो रहा है, हुकूमत के साथ भी नाजायज़ हो रहा है। 1.7 करोड़ क्या चीज़ है, खाली 250 इसमें आप खुद जा सकते हो देख सकते हो 250 खाली इसमें क्वार्टर बना हुआ है, 1 क्वार्टर में कितना खर्चा हुआ है, 13 इसमें बंगले, अभी भी एक बंगले में SP साहब रहता है, आज जो बंगला देगा तो को चोर भी इसको 10 करोड़ पर नहीं छोड़ेगा।